देयर, लेमन केक बना रहे हैं आज। लेमन केक जो है काफी पुरानी रेसिपी है, मतलब ये जो केक है बेसिक केक्स में आता है, जो जैसे वनीला केक होता है, स्पॉन्ज केक होता है, उसी तरह से लेमन केक काफी बेसिक केक होता है। लेकिन इसमें हम एक डालेंगे छोटा सा ट्विस्ट और उसे बनाते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसे बनाते हैं। पर हाँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, क्योंकि बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स के जो माप होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चेक इट। चूंकि ये लेमन केक है तो हम इस तरह से नींबू जो है उसके जेस्ट को यूज करेंगे। इस तरह से ग्रेट कर लेना है और इसके ग्रीन पार्ट को निकालना है। ये जो पिथ है, जो नीचे का जो व्हाइट पार्ट होता है, उसे अवॉइड करना है, वरना जो केक है वो कड़वा हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली इस तरह से निकाल लेना है। एक टीस्पून चाहिए हमें, तो एक और नींबू यूज करते हैं। ये निकल गया है और हमें इस तरह से नींबू को छोड़ देना है, सिर्फ ग्रीन पार्ट को ही ग्रेट करना था। अब उसी नींबू को काट कर उसका रस निकाल लेना है। वन थर्ड कप दूध लेना है। इसे हल्का सा गुनगुना कर देंगे और इसमें डलेगा हल्दी पाउडर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हल्दी पाउडर एक पिंच के आसपास। अब इसे गुनगुना करके गरम कर लेना है। इस बीच मैंने ओटीजी को गरम करने डाल दिया है, प्रीहीट करने डाल दिया है 170 डिग्री पे। अब इसमें हम लेंगे एक अंडा, आधा कप चीनी, 1/4 कप मेल्टेड बटर, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसे ब्लेंडर से फेंट लेना है। इन सारे वेट इंग्रेडिएंट में अब हमें एक कप मैदा डाल देना है। छन्नी यूज करना है, बिना छन्नी के कभी भी केक नहीं बन सकता अच्छा। एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। कई लोग अंडा डालते हैं तो साथ में सोडा नहीं डालते, पर मैं हमेशा सोडा डालती हूँ साथ में। इससे जो ये फ्लफीनेस आता है बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। अब इसे छान लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस, वही जो नींबू हमने निचोड़ा था उसी का रस। छन्नी मैंने अभी डाला है तो सारे बीज जो है वो छन गए बढ़िया। 1 टीस्पून जो लेमन जेस्ट था वो, 4 इसे कहते हैं फोल्डिंग और इसे कहते हैं कटिंग। कट, फोल्ड, इस प्रोसेस से इसे जल्दी से हमें मिक्स कर देना है। इसके लिए हमेशा सिलिकॉन स्पैचुला या फिर वुडन स्पैचुला ही यूज करें, मेटल नहीं।
अब इसमें हमें धीरे से डाल देना है वो दूध जिसमें हमने हल्दी डाली थी वो, और इसे फिर उसी पोजीशन में उसी तरीके से फिर से इसे मिक्स करना है, दैट इज कट एंड फोल्ड। पैन को प्रिपेयर करते हैं, इसमें सबसे पहले ग्रीसिंग कर लेंगे, इस तरह से रिफाइन ऑयल से इसमें ब्रशिंग कर लेंगे। प्रॉपर ब्रशिंग करने के बाद इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर देंगे। अब जो हमने पैन तैयार किया था उसे लेना है और उसमें इसे डाल देना है। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेना है। अवन प्री हीट हो चुका है, अब इसमें मिडल वाले रैक में हम इसे प्लेस कर देते हैं। वन एटी डिग्री पे दोनों रॉड्स हैं और इसे हम सेट करते हैं फॉर 35 मिनट्स। इसका बेल तो बज गया, लेट अस सी। लुक्स गुड बट फेसेस कैन बी डॉजी, तो हम टेस्ट करेंगे टूथपिक टेस्ट। जो नए हैं बेकिंग के लिए उन्हें बता दूं, टूथपिक टेस्ट का मतलब ये, टूथपिक को इस तरह से डाला और फिर जब इसे निकालेंगे अगर ये इस तरह से क्लीन निकले तो इसका मतलब है केक जो है बिल्कुल पक गया है। तीन चार जगह इसे इस तरह से प्रिक करना है ताकि पता चले, ऐसा तो नहीं कि कहीं बेकिंग नहीं हुई है। दिस इज परफेक्ट। अब इसे निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कूल होने देते हैं, उसके बाद इसे डीमोल्ड करके काटेंगे। ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो गया है, अब जरा सा एक नाइफ से इस तरह से एजेस को हमें ढीला कर देना है और इसे वाह, ये तो परफेक्ट है। जस्ट देखिए कितना सॉफ्ट है, ये परफेक्ट बना है। गेट रेडी टू बिंज एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।